नाजी यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा सारे लोग यहाँ पे आंसू गैस आंसू आई जा रहे हैं, लोगों के आंखों में आंसू आ रहे हैं। ये देखिए जरा शेलिंग हो रही है, सारी तरफ धुआं धुआं आंसू गैस फैलाई जा रही है। यहाँ पे हम लोगों से कुछ बात कर रहे हैं, लोगों से आंसू आ रहे हैं, हमारे पास कुछ लोग मौजूद हैं, इससे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर ये आंसू किस चीज़ के आ रहे हैं? ये पुलिस वाले सेलिंग कर रहे हैं, लब्बैक सेलिंग क्यों कर रहे हैं? ये तरीके लब्बैक वाले के ऊपर जो इन्होंने हुकूमत ने वादा दिया था किया था सफीर को बाहर निकालने का, उससे अब ये भाग रहे हैं। सात भाई को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया चोरों की तरह, ये खुद चोर है, ये समझे सब चोर है। वो तो जनाजा पढ़ा के आए थे, रस्ते में गिरफ्तार कर लिया। जी रस्ते में गिरफ्तार कर लिया था। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। क्या आज कहना चाहेंगे? बात ये है कि तो ये शेलिंग कर रहे हैं पुलिस वाले, इनसे मुल्क नहीं चलाया जा रहा बिल्कुल, ये इनके बाप का पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों ने बनाया था और ये बदमाशी पर उतर आए हैं। मैं बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को और जितने भी हमारे मुक्तदिर मुअज़्ज़ज़ इदारे हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर सारी कायनात कुर्बान। तो बजाय ये शेलिंग करने के फ्रांस के सफ़ीर को यहाँ से दफ़ा करो, नहीं तो फिर इंशाल्लाह इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमने अपने कायद के हाथ पर जो है ना मौत पर बैत की हुई है और इंशाल्लाह अभी आप देख रहे हैं ये किस तरह रियासती दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो ये कश्मीर नहीं है, ना ये इनके बाप का पाकिस्तान है। रियासत मदीना का नाम लेकर इमरान खान तुम मुनाफ़त करते हो, तुम्हारी तो खैर नस्लें पहले भी यहूदियों के हाथों में हैं, तो तुम्हें भी इंशाल्लाह यहाँ पाकिस्तान में रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, इसलिए बंदे के पुत्र बनो। हम फिर आप क्या कहते हैं सर, ये लगता है ये जो शैली कह रही है मुसलमान लगते हैं? जी ज़रूर, मैं सबसे पहले तो मैं अर्ज़ कर दूँ कि साहबजादा साहब जब नमाज जनाजा के लिए तशरीफ़ लाए थे तो नमाज जनाजा के फ़ौरन बाद उन्होंने जो है ना उनको अरेस्ट किया है, तो ये बिल्कुल गलत किया है। ये यहूदन सारा के जो एजेंट है ना, ये जिस तरह मर्जी कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बे की या रसूलल्लाह को ना कोई दबा सकता है, ना किसी के पास दबाने की हिम्मत है और ना ताक़यामत इसको कोई दबा सकता है। इंशाल्लाह ये अपने मंशूर के मुताबिक आके बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी। वन पॉइंट एजेंडा अल्हम्दुलिल्लाह ना मुसर सालत पर हमारी जान भी कुर्बान है, माल भी कुर्बान है, औलाद भी कुर्बान है, हम हर चीज़ को कुर्बान कर सकते हैं, मगर ये खबीस तो जो कर सकता है वो कर ला। और देख तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। नाज़रीन देखिए मेरे आंखों से भी आंसू आ रहे हैं, बात की नहीं जा रही, खांसी भी आ रही है, जुकाम पानी भी आ रहा है आँख से, फिर भी हम यहाँ पर कवरेज करने आए हुए हैं, तो लोगों से बात करेंगे और लोगों से जो हम हमारे साथ बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर भाई आपको ये लगता है जो मुसलमान है जो ये शैली कर रहे, लगता है ये मोमिन लोग हैं? आपको क्या लगता है? मुझे लगता, देखने से लगता नहीं है। जो वादा खिलाफी करता है ना वो हमें से नहीं है। इमरान खान साहब ने वादा किया था, इमरान खान ने वादा किया था कि 20 अप्रैल को हम निकाल देंगे, ठीक है? आज 12 अप्रैल है, सात भाई को गिरफ्तार कर लिया गया, वो क्या समझता है कि अब उसका यू टर्न चल जाएगा? ना भाई ना, ये नून लीग और पीपल पार्टी नहीं कि तेरे यू टर्न चलते रहेंगे, अभी तो आगाज है इसका, अभी ये शल्लिंग वल्लिंग। ना भाई ना, पुलिस गर्दी। ना भाई ना, पुलिस गर्दी। ना भाई ना, पुलिस गर्दी। ना भाई ना, दहशत गर्दी। ना भाई ना, दहशत गर्दी। ना भाई ना, दहशत गर्दी। ना भाई ना, ये यहूदो नसारा नवाजी। ना भाई ना, फ्रांस नवाजी। ना भाई ना, फ्रांस नवाजी। ना भाई ना, ये फ्रांस नवाजी। ना भाई ना, ये शल्लिंग वल्लिंग। ना भाई ना, ये शल्लिंग वल्लिंग। ना भाई ना साहब, आप कहते थे कि मदीने की रियासत, मदीने की रियासत क्या क्या उसमें झूठ बोला जाता है? ऐसे कारकुनों पर शेलिंग की जाती है, उनके रहनुमा को गिरफ्तार किया जाता है, कौन सी आप मदीने की रियासत की बात करते हो? ये कैमरामैन जरा घुमाए ना, इस तरफ दिखाए, ये क्या हो रहा है? ये मदीने की रियासत है कि कश्मीर है? बताया जाए, शर्म करो, शर्म शर्म करो। बहुत शुक्रिया, हमसे बात